आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धोनी का छक्का स्टेडियम के पार, शारजहां की सड़क पर गिरी गेंद उठा ले गया फैन। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष सिंह राजपूत। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के सिक्स तो दुनिया भर में मशहूर हैं। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के मुकाबले में वही पुराना कमाल दिखाया और ताबड़तोड़ 3 छक्के लगाए। उनका एक सिक्स तो स्टेडियम के पार हो गया और गेंद बाहर जाकर शारजहां की सड़क पर गिरी। बाहर मौजूद किसी क्रिकेट फैन ने गेंद उठाई और निकल लिया। शारजहां में चेन्नई सुपर किंग्स को हालांकि आईपीएल के 13वें सीजन के अपने दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली टीम राजस्थान ने सीएसके को 16 रन से हराकर सीजन में अपना जीत से आगाज किया। चेन्नई टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फैंस को धोनी का वही पुराना रूप जरूर देखने को मिला। इस मैच के अंतिम ओवर में धोनी ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी। धोनी की शुरुआत काफ़ी धीमी थी, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपना कमाल दिखाया। धोनी ने 17 गेंद पर नाबाद 29 रन बनाए और अपने इस पारी में उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के जड़े। इनमें से दूसरा सिक्स 92 मीटर लंबा था, जो स्टेडियम के बाहर खड़ी गाड़ी से टकराया। गाड़ी के बाहर खड़े एक शख्स ने गेंद को अपने पास रख लिया। इसका एक वीडियो क्लिप भी आईपीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया। शारजहां में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ 69 रन और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 74 रन की शानदार पारियों की बदौलत 7 विकेट पर 216 रन बनाए, जिसके बाद चेन्नई टीम 6 विकेट पर 200 रन बना सकी।